क्योंकि जो मिस्सू का जो बच्चा है ना, एक खत्म हो चुका है, पता नहीं क्या। काफी पिचका हुआ था तो पूरा। दोस्तों फाइनली हमारी टाइगर धुल चुकी है। और तो ये देखिए, गांव के बच्चे कुछ ऐसे हमारे गड्ढे कर रहे हैं बिल्ली के लिए, ज्यादा चौड़ा भी मत। तो दोस्तों यहाँ पे एक उसकी मेमोरी बन जाएगी, याद रखेंगे। तो हेलो नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है इन खूबसूरत पहाड़ियों से, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड का गांव पोलना विलेज से आपका स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर में। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 10 बज चुके हैं, अब उठना पड़ रहा है बिस्तर से। उठने का रीज़न क्या है लेट में, क्योंकि यहाँ पर धूप जो है अभी पहुँची नहीं है पहाड़ों तक, अभी घर है इधर, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसा अभी माहौल है गाँव का, आप देख सकते हैं। दोस्तों होप सो आपने दिवाली अच्छी मनाई होगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा, जैसे मुझे भी गांव में बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ खेलने में, पटाखे फोड़ने में और भी बहुत सारे। और कल जल्दी सो गया था और बहुत अच्छी नींद आई, काफ़ी थकान हो चुकी थी खेलते खेलते दिवाली के दिन, तो बहुत ही मज़ा आया। तो अभी मैं ना ठंडा लग रहा था तो धूप सेकने में आया आज स्कूल पे, जो है ना थोड़ी जल्दी धूप लग जाती है घर पे पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे मैं आया हूँ धूप सेकने, ताकि थोड़ा सुबह सुबह जो है धूप सूर्य की किरणों का हमें स्पर्श होना बहुत अति आवश्यक है, ताकि सर्वाइव कर सके जो है, रोशनी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कल यहाँ देखे इतना ज़्यादा कूड़ा कर दिया था हमने, देखे दिवाली के दिन पूरा कूड़े से, आज इनको इकट्ठा करके जितने भी ये कूड़े करकट पटाखे बम हैं, तो इसको हमें जो है फिर से जला देना पड़ेगा। और पहले तो बच्चे आज के दिन ढूंढते हैं कि भाई कौन से जो पटाखे थे बम थे जो जले नहीं, उनको फिर से सुखाते हैं, फिर से जलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मेरा एक और दोस्त आ गया है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, धूप सेकने के लिए पीछे पीछे आ जाता है। क्या दिक्कत है भाई तेरे को, घर पर नहीं बैठ सकता है? और खैर आजकल के यहाँ के जो कुत्ते हैं काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं, जैसे आपको मालूम है जो यहाँ पहाड़ों में जो डॉग रहते हैं वो भोटिया ब्रीड के रहते हैं, फुल तो नहीं कह सकते 70-80% भोटिया ब्रीड, तो वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, वफादार भी होते हैं, और जैसे बिल्लियों के साथ दोस्ती होगी तो उनको काटेंगे नहीं, उनके साथ खेलेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए हैं जो कल के जो मिसिंग मिसिंग पटाखे बम वगैरह ढूंढने मिले कुछ। हाँ, मिल कितने मिले? हाँ तो ये ढूंढ करके बम बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बारूद इकट्ठा करके जला रहे हैं, मुंह पे भी जलता है ठीक है, उससे आग लगने से ध्यान रखो, नीचे रखो। तो देखिए मम्मी अभी घास को आई है, घास के आने के बाद जो ये राजमा के जो होते हैं कलियाँ, इनको सुखाई जाती है ताकि राजमा अच्छे से निकल सके। तो अभी धूप आना स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे राजमा की जो है दालें ऐसे सुखाई जाती है, उसके बाद आज बनने वाली है, मुझे लग रहा है आज बनेगी राजमा की दाल जो कि मेरी फेवरेट है। और आप तो दोस्तों कल जैसे दिवाली का दिन था और रात को आपने ये भी देखा होगा कि मैं पूजा करने के लिए अंदर नहीं जा पाया था, पूजा वाले घर में पूजा करने के लिए, उसका रीज़न ये था दोस्तों, क्योंकि जो मिस्सू का जो बच्चा है ना, एक ख़त्म हो चुका है, पता नहीं कैसे जो इसकी मम्मी है जो ये है ना, वो शायद उसके ऊपर बैठ गई, और बहुत मुलायम होते हैं बिल्ली के बच्चे, और वो शायद उसी के वेट से दब करके मर चुकी थी। तो मुझे कल शाम को ही देखा मैंने कि यार ये कुछ हिल डुल नहीं रहा है बच्चा, तो उसके बाद मैं पूजा करने नहीं जा पाया क्योंकि नहाना पड़ता है, और रात को इतना ठंडा था मैं नहा नहीं पाया। तो फिर आज मैं जो है उसको थोड़ा मिट्टी के अंदर खोद करके उसको दफना लूँगा, और बस छोटी सी मेमोरी है, 2 दिन पैदा होने का, 2 दिन बाद ही वो गुजर चुका था, काफ़ी दुख भी हुआ पर क्या करें, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने अभी उठा के रखा, तो काफ़ी पिचका हुआ था तो पूरा मतलब बैंड हो रखा था। और देखिए बच्चे भी आ चुके हैं अंतिम संस्कार करने, चलो गड्ढा करो जल्दी करो, ढूंढो ऐसी जगह जो बहुत प्लेन हो मुलायम हो ठीक है, यानी कि खाली जरा सा गड्ढा हो रहा ऊपर पे करो। हाँ तो ये देखिए गांव के बच्चे कुछ ऐसे हमारे गड्ढे कर रहे हैं बिल्ली के लिए, ज़्यादा चौड़ा भी मत करना, छोटा ही है ठीक है, इतना छोटा है इसके साइज के हिसाब से करना, बहुत बढ़िया।
गुड। चलो चलो फेंक दो। हाँ इसको ऐसे करके बस ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे एक उसकी मेमोरी बन जाएगी, याद रखेंगे क्या पता फ्लावर हो जाए यहाँ पे। बाय करते हैं छोटी सी जान को, बाय करो सब। बाय। ये देखिए मौसम कुछ ऐसा है आज, और अभी बच्चे पता नहीं दिख नहीं रहे गए कहाँ है, थोड़ा उन्हें खा भाई खा, क्यों नहीं खा रहा आजकल पता नहीं क्या क्या खा क्या रखे ये। और देखिए खा ही नहीं रहा मिशु दूध में भी। आ जा भाई मिशु यू। तो दोस्तों अभी मैं ना अपनी जो टाइगर है उसको धोने के लिए जा रहा हूँ, कहीं नीचे पाइप है तो ऊपर गांव में ला नहीं सकते तो ऊपर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आज उसकी धुलाई करते हैं बहुत अच्छे से अपने टाइगर की, ताकि वो भी चमके इस दिवाली के अवसर पे। फिलहाल मौसम देखिए, और अभी शॉर्टकट के रास्ते में जाऊँगा ऊपर। तो रेडी है अपने टाइगर भी, इसको धुलेंगे आज। तो अभी यहाँ जंगल में आए हैं, पाइप ढूंढेंगे, पाइप होगा तो, क्योंकि मैंने दो तीन दिन पहले पाइप देखा था, और यहाँ से नहर है तो यहाँ पानी आता है और यहाँ रोड तक आ जाएगी, बढ़िया है तो बाइक धुल पाएंगे। पर ढूंढते हैं क्या है क्या नहीं है, इधर तो नहीं लग रहा है कि पाइप होगा कोई। तो देखिए दोस्तों रोड से यहाँ पर हम बाइक धोने के लिए आए हैं, पानी तो यहाँ है लेकिन पाइप हो जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता, अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, ऐसे गर्मियों में यहाँ नहाने लायक ठीक है। अभी नहा नहीं सकते बिल्कुल जम। तो दोस्तों फाइनली मिल चुका है हमें पानी यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लाइगर और टाइगर दोनों आज नहाएगी। ये अब जो है बारी है टाइगर की धोने की। तो टाइगर दोस्तों फाइनली हमारी टाइगर धुल चुकी है, और देखे साइड से कैसे लग रही है धुलने के बाद, चमक रही है कि नहीं चमक रही, बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे लग रही है अपनी टाइगर। तो फाइनली अपनी टाइगर चमक उठी है बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद। यहाँ पे देखिए क्या चमक रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका मेटियोर 350। और यहाँ पे लिखा है मैंने उत्तराखंड वाला एक्सप्रेस, जो भी देखे इस टैग को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं घर, खाते हैं खाना, दिन का टाइम हो चुका है लगभग 2 बजने वाले। तो फाइनली टाइगर को धो के आ गया था मैं, फिर सोया उसके बाद, और अभी जो है चाय पीने का टाइम है दिन। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है अभी चाय दूध डाल करके गर्मा गर्म, और पहाड़ों में तो बस यही चलती है ठंडे के टाइम पे किचन में, और रात को जलेगी यहाँ पे आग। फिलहाल बाहर देखिए मौसम, अभी ये राजमा कुछ ऐसे होते हैं, इसके बाद निकलने के बाद ऐसे होती है घर की राजमा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप जो है जाने को हो रही है, और जैसे पहाड़ के पार होते हैं और अंधेरा स्टार्ट, अभी थोड़ी सी धूप बची है पहाड़ों में, यहाँ तो चली गई है पूरे घर के आसपास। तो यहाँ पे हो चुकी है चाय तैयार, और यहाँ पे मौसम के साथ पी रहे हैं चाय गर्मा गर्म। तो दोस्तों अब जो है शाम का टाइम है, थोड़ा अंधेरा, और मैंने अभी क्या प्लान बनाया है कि बच्चों को गोस्ट साउंड फ्रेंड भूतों की आवाज़ निकाल के स्पीकर पे कहीं किनारे पे रख के उन्हें चुपके से बुलाऊंगा, फिर उनका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक। और यहाँ पे मेरे साथ एक साथी है जो मेरे को साथ देगा, और इसको पता है क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, भूत की आवाज़ निकालनी है कहीं पर रख करके, टूजे किसी को अपने साथ लाना है, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो
दोस्तों प्रैंक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की बच्चों पे, लेकिन कोई डरा नहीं, मेरा प्रैंक फेल हो गया था और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अभी शाम का टाइम है और टीवी को सेट कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, केबल कनेक्शन रहता है नहीं, तो टाटा स्काई, डिश टीवी या कुछ ऐसे हमें लेके आना पड़ता है। तो तब से हम लगे हुए हैं छत में यहाँ पे जो है डिश टीवी को सेट करने पे। और सेट कैसे कर रहा है, बाहर पे टीवी हमने ला के रखी है ताकि यहाँ से दिखे, सेट करते हुए। रिसीवर ख़राब है, डिश ख़राब है, कई चीज़ें गाँव में ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। और गाँव में सबसे पहले टीवी जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था तब लिए थे, और उस टाइम हम बस कार्टून नेटवर्क देते थे, जैसे जंगल बुक, मोगली हो गया, सिम्बा एक आता था कार्टून सीरियल, उसको भी देखते थे, बहुत पसंदीदा था हमारा। तो उस टाइम तो ज़माना था वो, जब टीवी आने की जो खुशी थी पूरे गांव में रहती थी, बस एक टीवी और पूरे बाहर तक जो है लोगों की भीड़ रहती थी, बच्चों की भीड़ रहती थी मोस्टली टीवी देखने के लिए। तो फिलहाल गांव में अभी शाम के टाइम क्या हो जाता ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि अंधेरा हो जाए, अभी 5:30 भी नहीं बजे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि क्या ही बताएं, ठंडा तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अभी। और इसके बाद देखते हैं टीवी लग जाए तो टीवी में भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो ही जाता है। जैसे मम्मी है, मम्मी यूट्यूब नहीं चलाती, पापा लोग सब यूट्यूब वगैरह चलाते हैं मोबाइल पर, तो मम्मी थोड़ा मतलब बोरियत आ ही जाती है घर का काम करने के बाद, थोड़ा सा रात में सीरियल वगैरह कुछ भी देख लिए जैसे पहले होता ही था, तो इसलिए फटाक से हम चाहते हैं कि ठीक कर ले। और बाकी मैच वगैरह आते रहते थे, उसे बड़ी स्क्रीन में देखने में ही मज़ा आता है, इसलिए टीवी ठीक कर रहे हैं। और पुरानी वाली टीवी पता नहीं एक्चुअली अचानक से ख़राब हो गई थी और उसके स्क्रीन पे जो है पूरा काला पड़ गया था, तो इसलिए हमने ये दूसरी टीवी लेकर के आए, जोशीमठ वाले घर में थी तो वहाँ कोई देखता है नहीं, तो इसका यहाँ ले आए और यहाँ पर सेट कर रहे हैं, और सेट हो नहीं रहा, बहुत टाइम लगा रहा है। 5:30 बजते ही दिवाली के कुछ दिनों तक हल्की सी लाइटिंग रखते हैं घरों पे, मतलब जो खुशी होती है राम भगवान जी के आने की खुशी, एक दिन की नहीं है वैसे, सालों साल की है, लेकिन फिर भी हफ्ते दो हफ्ते तक जो है ये लाइटिंग रखते हैं। ये दीपावली के 14 दिन बाद एक छोटी दीपावली आती है, तो उसको भी मनाया जाता है, तब तक जो है इस लाइटिंग को रखते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज थोड़ा थकान भरा दिन था, बाइक धोना, इधर उधर काम भी था और भी बहुत सारे काम रहते छोटे मोटे। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय लक्ष्मी भगवान।